नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज हम बात करेंगे अक्सर विवादों में रहने वाले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी उन्हें हलवा समझने की भूल ना करे, वो हलवा नहीं बल्कि लाल मिर्च है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बजट सेशन से पहले हुई हलवा सेरेमनी को लेकर हैदराबाद में एक सभा के दौरान ये बात कही। वो निकाय चुनाव के लिए AIMIM उम्मीदवारों के पक्ष में सभा करने के लिए पहुंचे थे। इशारों इशारों में उन्होंने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री पर निशाना भी साध दिया और कहा कि हलवा तो अरबी शब्द है, हमारी वित्त मंत्री उसकी पूजा कर रही थी, ये तो गड़बड़ है। एक तरफ भाजपा नाम बदलने का काम कर रही है तो वित्त मंत्री हलवे की पूजा क्यों कर रही हैं? क्या भाजपा हलवे का नाम भी बदलेगी? आपको बता दें कि बजट सत्र 1 फरवरी को शुरू होने वाला है और बजट से पहले हलवा सेरेमनी का रिवाज है। बजट के पहले छपाई कार्य शुरू करने के पहले वित्त मंत्रालय के दफ्तर में इसका आयोजन किया जाता है। इस दौरान वित्त मंत्री के साथ ही मंत्रालय के सभी प्रमुख अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहते हैं। इस दौरान हलवा बनाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है। इस सेरेमनी के बाद सभी अधिकारी और मंत्री दफ्तर में ही बंद हो जाते हैं, जिससे बजट से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक ना हो सके। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में बन रहे माहौल को लेकर किसी सियासी जंग में पहली बार ओवैसी कूदे हों। इससे पहले CAA, NRC, NPR पर बहस करने की चुनौती सरकार को खुले तौर पर दे चुके हैं।